मोतिहारी के कारोबारी को अपराधियों ने पुल से अगवा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पताही थाना के पंचगछिया गांव निवासी संजीव शर्मा बालू और गिट्टी का कारोबार करते थे। संजीव शर्मा के बढ़ते कारोबार से कई कारोबारी उनसे जलते थे। बताया जा रहा है कि व्यापारिक प्रतिद्वंदी ने मुजफ्फरपुर से लौटने के दौरान उन्हें अगवा कर लिया। संजीव शर्मा नरहर पकड़ी पुल के पास से लापता हो गए हैं। पुल के पास संजीव शर्मा की बाइक, मोबाइल और चप्पल को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस को अंदेशा है कि हो सकता है कि अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई हो। वहीं सूचना मिलने के बाद लापता हुए कारोबारी के परिजन नरहर पकड़ी पुल पर पहुंच चुके हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही संजीव शर्मा के परिजन बहुत घबराए हुए हैं। क्या काम करते थे? व्यवसायी थे। कौन सी थे? व्यवसाय करते थे, घर पे ही अपना ट्रक वगैरह चलवाते थे। ट्रक है कहाँ पर? उनके पास बिरला गोल्ड का एजेंसी भी था। पता ही चुके हैं। पता है जी। उनके पिता का क्या नाम? वैद्यनाथ शर्मा। वो व्यवसाय सिंगल करते थे या पार्टनर? नहीं, सिंगल करते थे। ये जो घटना है, आप लोगों को क्या असर दे रहा है? अब साइड से देखा जाए तो हमें तो अनुमान लग रहा है कि दुश्मनी किसी ने साधी है। हत्या का मामला लग रहा है? हत्या का मामला लग रहा है। अगर जो लाश नहीं मिलती है, उसका कुछ ट्रेस्ट नहीं मिलता है, तो फिर तो वही लग रहा है। इसकी दुश्मनी थी, व्यवसाय के माध्यम से भी कुछ लोगों से इनका किनसत थी। कुछ व्यवसायी थे, जैसे कि उसका नाम तो नहीं हमें मालूम। धनहारा तरफ के कोई व्यवसायी थे, कालू पाकड़ तरफ के, जो कि लेन देन के मामले में उनसे कुछ कहा सुन विवाद भी हुआ था। बाई दर्ज थाना में भी उनका केस है। और एक विवाद है घर के बगल में भी, कुछ दूर पर हटकर ट्रक ड्राइवर वाले से को लेकर के घटना घटी थी, जिसको उसका भी नाम नहीं बता पाया। कोई सहनी है, नाम हमें क्लियर पता नहीं है, क्योंकि हम तो वहाँ कहाँ गए हुए थे? मुजफ्फरपुर गए हुए थे, डीटीओ ऑफिस में। डीटीओ ऑफिस किस काम के लिए? ट्रक का पेपर कंप्लीट कराने के लिए। वही कारोबारी संजीव शर्मा के परिजन ने बताया कि वे मुजफ्फरपुर के डीटीओ ऑफिस में किसी काम से गए थे। लापता कारोबारी की पत्नी ने जब फोन किया तो किसी राहगीर ने उठाकर घटना के बारे में बताया। हमसे तो बात नहीं हुई, अपने परिवार से उन्होंने बात की है। जो परिवार हमको सुबह में इन्फॉर्मेशन दिया है, तो वो बोल रहे हैं कि 7 बजे के पहले जब वहाँ से चला है, तब हमको फ़ोन किए हुए थे कि हम चल रहे हैं और 9 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। अच्छा, रात में जब घर नहीं पहुँचे तो आप लोग प्रयास नहीं किए क्या? 9:30 में फ़ोन करते रह गए हम लोग, फ़ोन रिंग होते रहा लेकिन रिसीव नहीं हुआ। रात किसी तरह से कटी है, मॉर्निंग में ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन। कैसे जानकारी मिली है आप लोगों की? अब ये फ़ोन यहाँ से किसी ने फ़ोन लिया है, उस फ़ोन से घर का नंबर चाहे उधर से जो फ़ोन आया है तो रिसीव किया है, जैसे पत्नी उसकी फ़ोन की है, तो यहाँ से कोई व्यक्ति थे जो कि रिसीव करके बताए हैं कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ घट चुकी है, तब उन्होंने हमको फ़ोन किया उसकी पत्नी ने। हम WHO में काम करते हैं मोतिहारी, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है। अभी फ्रेश भी नहीं हुए हैं जब तक कि वहाँ से बाइक उठाए चलते। वहीं परिजनों की शिकायत पर अधिकारी मौके पर पहुंच गए, साथ ही पुल पर लोगों का हुजूम भी लग गया। वहीं मौके पर पहुंचे चकिया के अंचलाधिकारी राजकिशोर साह ने इस घटना को हत्या का मामला बताया है। साह ने बताया कि गोताखोर की मदद से नदी में तलाशी की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि अंतिम नतीजे तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। सूचना मिली कि नरहर पकड़ी पुल के पास एक मोटरसाइकिल गिरी हुई है, लेकिन आदमी नहीं है। तो सुबह से हम लोग आए और स्थानीय गोताखोर को बुलाए। 8 सदस्यीय टीम था और ये अभी प्रयासरत है, खोज रहे हैं, लेकिन जो मोटरसाइकिल की स्थिति है उसको देखते हुए थोड़ा सा शंका भी हो रहा है कि इतने बजे रात, मतलब 9-10 बजे रात में आदमी आया है, ऐसी घटना हुई है। हम लोग प्रथम प्रयास कर रहे हैं कि डेड बॉडी खोजा जाए ताकि उसका जो है तहकीकात किया जा सके। बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है और पुलिस आम लोगों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने में नाकाम रही है। अगर रात में सड़क पर पेट्रोलिंग पार्टी गश्त लगा रही होती तो इस घटना को टाला जा सकता था। बिहार पुलिस को अपराधियों से निपटने के लिए एक रोड मैप बनाकर उस पर अमल करना होगा, तभी आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से अरुण कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।